नमस्कार, मैं धीरज कुमार हिमालयन एंटरप्राइज से, जो ओरिएंट बेल टाइल्सों को भी बेचता हूँ। देखिए, आजकल जो है ग्लॉस और कार्विंग सीरीज और मैट फिनिश सभी चलते हैं, लेकिन जो आजकल के रुझान है, जो लोगों के प्रति रुझान है, वो कार्विंग सीरीज की तरफ ज्यादा है। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है कार्विंग और ग्लॉस में। इस तरह से ग्लॉस को आप देखेंगे तो पूरी लाइट पे ध्यान चले जाता है, आकर्षण केंद्र ये लाइट हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कार्विंग सीरीज को तो ये पूरी की पूरी टाइल्स दिखनी शुरू हो जाती है। कार्विंग में कुछ भी खूबसूरत दिख रहा है, जैसे लाइन ग्रेस हमेशा दिखती है, जो खूबसूरती और खूबसूरत बनाती रहती है। लोग आकर्षित होते हैं, इनकी तरफ खिंचाव उनका ज़्यादा चला जाता है। जैसे कि ग्लॉस शुरुआत से लगती हुई, आज से 20 साल से ये लगती हुई ग्लॉस आ रही है, एक चेंजेस एक रेवोल्यूशन लाया है कार्विंग में, जो कि मैट फिनिश में है, सैटिन फिनिश में है, जो कि अरे लाइंस में चमक है, जो खूबसूरत दिखती है, जो टाइल्स की खूबसूरती दिख रही है, बाकी छिप जाती थी टाइल्स दिख रही है कि लाइट दिख रही है, लेकिन जो प्रेजेंट कर रहा है वो बहुत ही खूबसूरत मूव कर रहा है। लोग की रुझान जो है काफ़ी खींचे जा रही है इसके तरफ। कार्विंग में मैम अधिकांश जो डिज़ाइंस हैं वो ग्रे, लाइट ग्रे, डार्क, सब पे पैटर्न बहुत अच्छे चल रहे हैं। जैसे कि बोटोचिनो पे देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत एक बेज आर्टिकल लाया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत ग्रेज के साथ है, जो बेडरूम ड्राइंग रूम इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉटलाइट देंगे आप तो काफ़ी खूबसूरत खिल के आएगी। ये दो साइजों में अवेलेबल रहती है, 4x2 में भी है, 2x2 में भी, हर तरह के घरों के लिए है, और वॉल और फ्लोर दोनों पे लग सकती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि 4x2 में बड़ी साइजों में लगा सकते हैं, 2x2 में घरों में लगा सकते हैं, जो कि हर कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि मुझे लगाना क्या है, ये फैसला आप आसानी से ले सकते हैं।